मित्रों, गंगा तट पर बसी काशी बड़ी ही पुरानी नगरी है। इसे हम बनारस और वाराणसी कहकर भी बुलाते हैं। इतना प्राचीन नगर विश्व में कहीं और नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्षों पहले की थी। इस कारण से यह हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो कि पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण और महाभारत सहित प्राचीनतम ऋग्वेद अर्थवेद में भी इस नगर का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। काशी भगवान भोलेनाथ की नगरी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चमकना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी को कामधेनु नाम दिया था। सबसे प्राचीन सप्तपुरियों में से एक होने के कारण यह मोक्ष दायिनी है। इस नगर की सबसे खास विशेषता यह है कि यह भारत की आत्मा गंगा के किनारे बसा हुआ है। यह विश्व के सबसे प्राचीन और जीवंत शहरों में से एक है। काशी के कण कण में भगवान शिव विराजते हैं। मुगलों के काल में काशी विश्वनाथ को कई बार लूटा गया। हालांकि मुगल सम्राट अकबर ने मूल मंदिर के निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन उनके परपोते औरंगजेब ने बाद में मंदिर को नष्ट कर दिया और वहां पर एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसका नाम ज्ञानवापी मस्जिद है। वर्तमान में स्थित मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। इस पवित्र नगरी की प्राचीनता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जब ग्रीस का एथेंस शहर बसाने का ख्याल भी किसी के मन में नहीं आया था, उस समय भी काशी विश्वनाथ का अस्तित्व था। यहाँ तक कि रोम और मिस्र भी नहीं थे, तब भी काशी थी। हर शोक संताप पाप और रोग का नाश करने वाली और सभी प्रकार के कल्याणों की खान काशी को कहा गया है। काशी के बारे में कहा जाता है यह नगर भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है। यही वजह है कि कहा जाता है काशी जमीन पर नहीं, जमीन के ऊपर है। इस नगर के विषय में कहा जाता है भगवान शिव यहाँ स्वयं वास करते हैं। कहा जाता है जो भी काशी नगर में प्राण त्यागता है उसे मोक्ष मिलता है, इसीलिए यहाँ मरना मंगल है। चिता भस्म यहाँ आभूषण के समान है। मित्रों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? आपके काशीनगर के विषय में क्या विचार है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय।